हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आपके मित्र। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में। बहुत से महिलाओं को ये समस्या आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका डॉक्टर उन्हें ये कहता है कि बच्चे के गले के चारों तरफ एक अम्बिलिकल कॉर्ड का एक फंदा जैसा है, जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ कॉर्ड ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक ऑफ द बेबी। बच्चे के गले के चारों तरफ एक फंदा है। तो क्या होता है ये बच्चे के गले के चारों तरफ फंदा, किससे कितनी समस्याएं पैदा होती हैं, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये है तो हमें क्या सिजेरियन ही करना पड़ेगा, इन सभी की चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली बात जो मैं आप सभी को समझा देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सी महिलाओं को आपको ये समस्या आई होगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 37% पाया जाता है जब टर्म पे प्रेगनेंसी होती है, यानी कि पूरे 8-9 महीने का बच्चा होता है, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तब ऑलमोस्ट 37% यानी कि हर 3 में से एक महिला को ये डायग्नोसिस दिया जाता है कि उसके बच्चे के गले के चारों तरफ एक फंदा जैसा स्ट्रक्चर है। तो पहली चीज तो ये कि ये बहुत ही कॉमन चीज है। ये फंदा एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज, अगर ऐसा कोई डायग्नोसिस है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं कीजिए, घबराइए नहीं। क्यों होता क्यों है ये फंदा, क्यों ऐसे घूम घूम के अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गले के अराउंड आ जाती है? यूजुअली जब बच्चा एक्टिव ज्यादा होता है या कॉर्ड लंबी होती है तो बच्चे के मूवमेंट्स के कारण वो उसके गले के अराउंड लिपट जाती है। करते क्या है बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है? बेसिकली ये माँ से बच्चे की तरफ न्यूट्रिएंट्स लेके जाती है, ऑक्सीजन लेके जाती है, खून का संचार करती है। सो बेसिकली माँ से जो बच्चे की तरफ सभी चीज़ों का ट्रांसफर होता है वह इस अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा होता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी, बेहद महत्वपूर्ण, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो अब अगर ये बच्चे के गले के चारों तरफ है तो क्या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? क्या इसकी वजह से बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान कोई नुकसान हो सकता है? क्या प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे का गला घुट सकता है? तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली ना के बराबर होते हैं, दे आर वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है। बहुत रेयर केसेस में हो सकता है कि इसका जो फंदा है वो थोड़ा टाइट होने के कारण बच्चे की तरफ जो जाते हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड सप्लाई है, वह रुक जाए और बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाए या फिर बच्चे की गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं, पर ये बहुत रेयर है। कॉमनली हमें ये देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत ही रेयर चीज़ है, इसलिए बहुत आप घबराएं नहीं। आप क्यों इस तरह से नहीं होता, वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्यों प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की चीज़ें यूजुअली नहीं पाई जाती, क्योंकि नेचर ने, प्रकृति ने सुरक्षा की एक चीज़ और बनाई हुई है जिसे हम कहते हैं वॉटन्स जेली। ये जेलीनुमा सब्सटेंस होता है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड के चारों तरफ पाया जाता है, जिसके कारण कि जैसे जब फंदा होता भी है तो भी जब वो दबता है तो इतने बहुत ज़्यादा दब नहीं पाता है, क्योंकि वो जेलीनुमा जो चीज़ है वो उसको दबने से रोक के रखती है, इसलिए बच्चे की तरफ जाने वाला जो ब्लड सप्लाई है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन है, वो सब जाता रहता है। तो ये वाटर्स जेली यूजुअली इन कॉम्प्लिकेशंस को रोक कर रखती है। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या डिलीवरी करानी है या सिजेरियन कराना है, और अगर ऐसा कुछ है तो प्रेगनेंसी में क्या ध्यान रखना है। ध्यान हमें क्या रखना है कि बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं उसका हमें स्पेसिफिकली ज़्यादा ध्यान रखना है। नॉर्मली भी गायनेकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स को बोल के ही रखते हैं, आपने ऐसे भी सुना होगा कि बच्चा कितना घूम रहा है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है कि लूप है, कॉर्ड है बच्चे के गले के चारों तरफ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चा प्रॉपरली जहाँ तक घूम रहा है तो यूजुअली कोई चिंता का विषय नहीं होता है, लेकिन अगर किसी दिन आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने घूमना कम कर दिया है, उसके मूवमेंट सिग्निफिकेंटली कम हो गए हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए, ताकि अगर बाय चांस कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है तो उसे हम टाइमली एड्रेस कर सकें, अगर डिलीवरी करानी है तो जल्दी डिलीवरी कराई जा सके। अब अगर ये बात है कि लूप है तो गायनेकोलॉजिस्ट को क्या करने की ज़रूरत है, और जो यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट सभी लोग करते भी है,
बच्चे की जो मॉनिटरिंग है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, बच्चे का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, यानी कि आपको चेकिंग के लिए नॉर्मल पेशेंट से थोड़ा ज़्यादा बुलाया जाएगा, थोड़ा ज़्यादा बार डॉपलर सोनोग्राफी करके देखी जाएगी कि ब्लड सप्लाई वगैरह ठीक से जा रहा है या नहीं जा रहा है। NSG एक टेस्ट होता है जिसमें कि हम बच्चे की धड़कन देखते हैं रेगुलरली, उसके लिए भी बुलाया जाएगा। तो जितना हम बाकी मरीजों को बुलाते हैं उससे हम आपको कह सकते हैं कि अगर बाकी मरीज को हम 10 दिन में बुलाते हैं तो आपको हम 7 दिन में एक बार बुलाएंगे, ताकि मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छी रखी जा सके। अब ये हो गई बात प्रेगनेंसी की, अब आते हैं हम डिलीवरी पे कि क्या डिलीवरी हो सकती है या सिजेरियन करना ज़रूरी होता है। क्या लूप ऑफ कॉर्ड है तो नॉर्मल डिलीवरी असंभव है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। एक क्या, दो क्या, तीन क्या, चार लूप के साथ भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर जो लूप है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो एक बहुत लंबी सी कॉर्ड है और उसके ढीले ढीले तीन चार फंदे हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी, डिलीवरी हो जाएगी। किंतु अगर लूप, अगर जो फंदा है वो सिर्फ एक है लेकिन टाइट है तो मुश्किल आ सकती है। तो किस चीज़ की ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब डिलीवरी का प्रोसेस हो रहा है, जब लेबर चालू हो गया है, तो उस दरमियान जो बच्चे की देख रेख है, यानी कि जो फीटल मॉनिटरिंग है, वह काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत रहती है, यानी कि कंटिन्यूस बच्चे की धड़कन को चेक किया जाता है। अगर किसी भी समय ऐसा लगता है कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है, या क्योंकि नाल कभी कभी दब सकती है जिसके कारण कि बच्चे की धड़कन कम हो जाए, तो अगर कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि बच्चे की धड़कन नीचे के सर में जा रही है, कम हो रही है, तो इमीडिएटली हमें डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि नॉर्मल लेबर को रोक के सिजेरियन की जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, ताकि ये जो समस्या आ रही है इससे बच्चे का तरफ जाते वक्त बच्चे का ऑक्सीजन सप्लाई या बच्चे का ब्लड सप्लाई को किसी भी तरह की रुकावट ना आए और उसको किसी भी तरह का डैमेज ना हो, तो इमीडिएटली कभी कभी सिजेरियन करने की ज़रूरत आ सकती है। अगर ऐसी स्थिति है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको कह रहे हैं कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है, तो हमें ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए सिजेरियन का डिसीजन जल्दी ले लेना चाहिए। परंतु नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है अगर बच्चे की धड़कन ठीक ठाक चल रही है, कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सिर्फ बात इतनी सी कि ध्यान थोड़ा अधिक रखने की ज़रूरत रहेगी। बहुत बार कुछ महिलाएं हमसे ये भी पूछती हैं कि क्या हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें या आप कुछ ऐसा करके कर सकती हैं या कोई दवाई लेने से जिससे कि ये हट जाए। तो मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। वो आपका बच्चा कैसे घूम रहा है, कितना वो मूवमेंट्स कर रहा है, थोड़ा शैतान बच्चा है, ज़्यादा घूम रहा है तो चांस थोड़ा ज़्यादा होगा कि लूप ऑफ कॉर्ड रहे। तो हम या आप ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, बस हम थोड़ा ध्यान अधिक रखेंगे और चिंता नहीं करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, आप और कहाँ जानकारी चाहते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। गायनिक रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।